उधर अमेरिका के टेक्सास में एक डेयरी फार्म में धमाके के बाद लगी भयंकर आग में झुलसकर 18,000 गायों की मौत हो गई। अमेरिका के इतिहास में किसी हादसे में एक साथ जानवरों के मरने की सबसे बड़ी घटना है, जिसकी वजह से टेक्सास के इस डेयरी फार्म में कोहराम मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें और धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। धुआं तो इस कदर फैला जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। काले धुएं ने कई एकड़ में फैले इस डेयरी फार्म को पूरी तरह ढक लिया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां भेजी गईं। आग बुझाने वाली टीम के कर्मचारियों ने कई घंटों तक कड़ी मेहनत की। बाद में जब फार्म के अंदर से गायों के शवों को निकालने का काम शुरू किया गया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां 50 या 100 नहीं बल्कि 18,000 गायों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कभी भी जानवरों की मौत नहीं हुई, जिससे टेक्सास के इस सबसे बड़े डेयरी फार्म को भारी नुकसान पहुंचा। वहां एक गाय की कीमत $2,000 यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 से भी ज्यादा है, जबकि वहां लगी भयंकर आग ने 18,000 गायों की जान ले ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी उपकरण में धमाका हुआ और उसी की वजह से आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे फार्म में फैल गई। उस वक्त ज्यादातर गायों को दूध निकालने के लिए बाड़े में बांध दिया गया था, इसी वजह से उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिल सका। इस दौरान वहां का एक कर्मचारी भी आग की चपेट में आ गया, हालांकि दमकल कर्मचारियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल भिजवा दिया। आग को जब तक बुझाया गया तब तक उस डेयरी फार्म की 90% गायें झुलस चुकी थी। यह आंकड़ा अमेरिका में रोजाना मरने वाली गायों की संख्या का करीब 3 गुना है। इधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। लक्ष्मण सावदी टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने 2 रोज पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और ये बात सच भी साबित हुई। लक्ष्मण सावदी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ सिद्धरमैया से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। थोड़ी देर की बातचीत के बाद लक्ष्मण सावदी, डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया बाहर निकले और खुद सिद्धरमैया ने लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। 100% ऑथेंटिकेट विल बी गिवन टू सऊदी, ही इज कंटेस्टिंग ऑन कांग्रेस टिकट। सिद्धरमैया ने जिस अथनी सीट का जिक्र किया उसी सीट को लेकर लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, क्योंकि बेलगावी की अथनी सीट से वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार वो हार गए थे। लेकिन इसके बाद भी वो पूरी ताकत से इसी सीट के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, हालांकि बीजेपी ने इस सीट पर दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, जिससे नाराज होकर बीजेपी की पहली लिस्ट आने के तुरंत बाद लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि पहली लिस्ट के 189 उम्मीदवारों में उनका नाम ही नहीं था। साथ ही अथनी सीट भी उनसे छीन ली गई थी, इसी वजह से उन्होंने बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार तक नहीं किया। हालांकि बीजेपी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट से भी लक्ष्मण सावदी का नाम गायब था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। लक्ष्मण सावदी येडियुरप्पा सरकार में 2019 से 2021 तक डिप्टी सीएम रहे। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के परिवहन मंत्री के रूप में भी काम किया। हालांकि बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में जाने को जरा भी भाव नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी में औकात पता चल जाएगी, कांग्रेस पार्टी दरवाजे के बाहर बैठाने वाली है। बीजेपी ने दावा किया कि लक्ष्मण सावदी अथनी से लड़े तो फिर चुनाव हार जाएंगे।